इस बात पे भी मुझे लगता नहीं है कि विचार मंथन करने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। भाई राहुल जी को हम चेहरा बना रहे हैं 2024 का, प्रधानमंत्री का चेहरा वही है और कोई हो ही नहीं सकता। बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं है 2024 में, चुनौती ही नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं है 2024 में। बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई हराएगा नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वो नफरत से भरी सोच हराएगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और चाणक्य सिर्फ एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। ये लुटिया डुवाने वाले हैं बीजेपी और आरएसएस की, ये आप लिख के रख लीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़, मैं हूं आपके साथ नफीसा। एक बार फिर नीतीश कुमार निकल चुके हैं विपक्ष को साधने के लिए, विपक्ष को खुले तौर पे संदेश दे रहे हैं और कहीं ना कहीं अपील कर रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से कि बिना कांग्रेस पार्टी के विपक्ष का एक साथ आना नामुमकिन है, और अगर विपक्ष एक साथ आ जाता है तो बीजेपी को 100 सीटों पर सिमट जाएगी, यानी कि 100 सीटें भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। ये बड़ा बयान नीतीश कुमार दे रहे। सवाल यही था कि लगातार विपक्ष में कब एकजुटता आएगी और कब विपक्ष तोड़ निकाल पाएगा बीजेपी को हराने का। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ गोपाल जी, जो हमेशा तीखे सवाल और अंदाजों से जाने जाते हैं क्योंकि बीजेपी पे तो हमेशा हमलावर रहता है, तो उन्हीं से जानते हैं। सर, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को पहल करनी चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, विपक्ष को एक साथ लेकर आए तो बीजेपी 100 सीटों पर सिमट जाएगी। देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने तो दरवाजे खोल रखे हैं, और आज से नहीं, बहुत पहले से खोल रखे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम ऐसे संकेत वहाँ से दिए गए। यहाँ तक कि जब हमारी यात्रा का आखिरी दिन था 30 जनवरी को, हम कश्मीर में थे, शेर कश्मीर स्टेडियम में भी जो है तमाम लोगों को निमंत्रण दिए गए थे। बहुत से लोग आए थे, बहुत से लोग नहीं भी आए थे, असमंजस की स्थिति में थे। सवाल ये नहीं है कि विपक्ष एक साथ आ जाए, सवाल ये है कि विपक्ष जितना जल्दी हो सके एक साथ आ जाए। विपक्ष को तो एक साथ आना ही आना है, क्योंकि दूसरा कोई चारा नहीं है। पूरा देश ये उम्मीद लगा करके बैठा है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ही है जो इस देश को बचा सकती है। इस देश में महंगाई जो है, इस देश में बेरोजगारी जो है, सांप्रदायिक हिंसा, तनाव, तमाम चीज़ें जो देश की स्थितियों को लगातार गड़बड़ कर रही है, हाशिए पर धकेल रही है, उसको बचाने का काम सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। और इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी जिस मंशा के साथ, जिस ऊर्जा के साथ उभर करके आए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसलिए इस बात पे भी मुझे लगता नहीं है कि विचार मंथन करने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। सीधा साफ और स्पष्ट कह देना चाहिए नीतीश कुमार समेत तमाम विपक्षी पार्टियों को, लोगों को, भाई राहुल जी को हम चेहरा बना रहे हैं 2024 का, प्रधानमंत्री का चेहरा वही है और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हिंदुस्तान की मूल परंपरा को सबसे बेहतर समझने का काम यदि किसी ने किया है तो राहुल गांधी ने किया है। और गोपाल जी, नीतीश कुमार ने कह दिया कि मैं रेस से बाहर हूं पीएम की, और राहुल गांधी का नाम अगर सामने आता तो उनको ऐतराज भी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमारी असल लड़ाई विपक्ष एक साथ आकर भाजपा को हराने के लिए लड़े, ना कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर बाद में ध्यान दिया जाए। देखिए, ये सवाल नीतीश कुमार को मैं समझता हूँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी से किया वो ठीक बात है, लेकिन उनके मन में जो शंकाएं हैं तमाम लेकर के, जैसे हमने 30 जनवरी का भी निमंत्रण दिया था वो पहुंचे नहीं, तो अपनी शंकाएं पहले दूर करें। एक बात बिल्कुल उन्होंने सच बोली कि वो प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हैं, सच में वो बाहर हैं, तो तमाम और दल जो उनके साथ हैं उनको एक साथ ले आकर के राहुल जी से कहना चाहिए कि देखो, मैं 20 दल लेकर के आया हूँ, मैं 15 दल लेकर के आया हूँ, मैं 25 दल लेकर के आया हूँ, इनका सबका समर्थन है कि आप प्रधानमंत्री का जो है चेहरा बने, आपके नेतृत्व में 2024 बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, नफरत के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, आप प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री बनने से ही इस देश की समस्याओं का हल किया जा सकता है। सर, इस बात को कांग्रेस और राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि बीजेपी को हराने वाली कांग्रेस ही है एकमात्र ऐसी पार्टी, और खुद बीजेपी भी खुले तौर पर ऐलान कर चुकी कई बार मंचों से कि हमारी मुख्य लड़ाई जो होगी वो कांग्रेस पार्टी से होगी, यानी कि कहीं ना कहीं टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में होने वाली है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है नफीसा जी, आप देखिए सबसे ज्यादा विरोध किसका किया जाता है, उसी का किया जाता है बहुत ताकतवर हो जी। तो पूरी बीजेपी, पूरी आरएसएस, तमाम इनके संगठन, स्वयं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और तमाम लोग किसका विरोध करते हैं, कांग्रेस पार्टी का। उससे भी ज़्यादा किसका विरोध करते हैं, राहुल गांधी का, क्योंकि इन्हें मालूम है कि एक ही शख्स है इस हिंदुस्तान में, एक ही इंसान है इस हिंदुस्तान में, एक ही पार्टी है इस हिंदुस्तान में जो तुम्हारे सामने डटकर खड़ी है, जो किसी भी तरीके से समझौता नहीं कर सकती, किसी भी तरीके से वो डर नहीं सकती और तुम उसे डरा नहीं सकते, इसलिए तमाम ये एजेंडा चलाते हैं। कभी ये हिंदू धर्म का एजेंडा चलाएंगे,
कभी ये मुस्लिम धर्म का एजेंडा चलाएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी कुछ बताएंगे, कभी नफरत फैलाएंगे, कभी तनाव फैलाएंगे, कभी गाय की चर्चा करेंगे, कभी मंदिर की चर्चा करेंगे, कभी मस्जिद की चर्चा करेंगे। असल हिंदुस्तान की जो बातें हैं, असल हिंदुस्तान के जो मुद्दे हैं, उन पर ये चर्चा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मालूम है कि आज तक जो मुद्दे इनके मैनिफेस्टो में थे बीजेपी ने आज तक वो पूरे नहीं किए, प्रधानमंत्री ने आज तक उन पर अपनी सफाई नहीं दी। एक ही शख्स है इस हिंदुस्तान में, उसका नाम है राहुल गांधी, जो इन सभी मुद्दों पर बात करता है, और सदन में जो देश के मूलभूत मुद्दे जिन पे वो बात करता है, तो वो मुद्दे नरेंद्र मोदी के आदेश पर हटा दिए जाते हैं राज्यसभा की पटल से, आप कल्पना करके देख लिए। इसलिए नीतीश कुमार को, तमाम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि राहुल गांधी ही वो शख्स है जो आपकी विपक्षी एकजुटता को सबसे अधिक मजबूत करके इस हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर बीजेपी और आरएसएस को शिकस्त दे सकता है। इसमें तुम्हारे मन में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन सर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि विपक्ष में दम नहीं है, विपक्ष में वो बात ही नहीं जो बीजेपी और खासकर पीएम मोदी को टक्कर दे सके। देखिए, ये तो उनका अहंकार है, जब व्यक्ति सत्ता में बैठा होता है तो वो इसी तरीके की बात करता है, और इस तरीके की बात, आप उदाहरण के तौर पर जब बंगाल में चुनाव लड़ने गए थे तो आपको बयान याद होगा जो प्रधानमंत्री बड़ी अटकेलियां करके कहते थे, ओ दीदी दीदी गई, 2 मई दीदी गई, हाल क्या हुआ, आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस तरीके की बयानबाजी, आदमी जब घमंड में होता है, अहंकार में होता है, जो उसे लगता है कि मैं हूँ और कोई बचा ही नहीं है, तो उस इस तरीके की बातें वो तब करता है। हकीकत ऐसी नहीं है, हकीकत दूसरी है। लेकिन सर, बीजेपी तो ये भी कहती है कि कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है, 2 राज्यों में सीमित कर दिया है, और आने वाले वक्त में भारत मतलब कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। अच्छा, जनता ने अगर नकार दिया होता तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव क्यों जीत गए होते हम? भारत, अगर जनता ने नकार दिया होता, भारत जोड़ो यात्रा निकली 7 सितंबर से लेकर 30 जनवरी तक 150 दिन की मतलब विकट परिस्थितियों में यात्रा निकली, पूरे देश ने समर्थन क्यों दिया होता, पूरा देश 200 किलोमीटर लंबी लाइनों में क्यों राहुल गांधी के पीछे चला होता, क्यों कांग्रेस की आइडियोलॉजी का समर्थन किया होता? हकीकत ऐसी नहीं है, हकीकत दूसरी, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई है। इस समय राहुल गांधी ने बीजेपी की जो सोच थी, कौन सी सोच, हिंदुस्तान को तोड़ने वाली, हिंदुस्तान में नफरत फैलाने वाली, हिंदू मुस्लिम करने वाली, मंदिर मस्जिद करने वाली, उस घटिया सोच पर राहुल गांधी की सोच ने बहुत कड़ा प्रहार किया है, और यह मैसेज भी दिया है कि 2024 में जो चुनाव होगा वो चुनाव बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं होगा, वो चुनाव 2 पार्टियों के बीच होगा। पहली पार्टी वो जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है, और दूसरी पार्टी वो जो हिंदुस्तान को जोड़ना चाहती है, हिंदुस्तान से नफरत को मिटाना चाहती है। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं रह गई अब, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, और इस धर्म और अधर्म के बीच इस देश की जनता का, इस देश की प्रजा का जो ख्याल रखेगा, देश की जनता उसको अपना समर्थन देगी, उसको अपना आशीर्वाद देगी। और ये शाश्वत सत्य है कि राहुल गांधी ही वो चेहरा है, राहुल गांधी ही वो व्यक्ति है, तो जो 2024 में इन तमाम समस्याओं का निराकरण कर सकता है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को भी अभी से फैसला बनाना लेना चाहिए विपक्ष के साथ साथ। गोपाल जी, यात्रा तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि इस यात्रा से पार्टी को चुनावी मैदान में कितना फायदा होगा, कितनी सफलताएं मिलेंगी? बहुत फायदा होगा। आप कर्नाटक का चुनाव होने जा रहा है वहाँ देख लीजिएगा, अभी नागालैंड का चुनाव होने जा रहा है वहाँ देख लीजिएगा, त्रिपुरा में चुनाव हो रहा है वहाँ देख लीजिएगा, बहुत फायदा होगा। और सिर्फ चुनाव में ही फायदा नहीं होगा, बल्कि जो विचारधारा, एक शब्द था आइडियोलॉजिकल, एक हमारे यहाँ एक बहस चलती थी हिंदुस्तान में जो ख़त्म हो गई थी काफ़ी लंबी समय से, इस यात्रा के बाद में वो बहस फिर से दोबारा पैदा हुई है, वो विचारधारा फिर से दोबारा जन्म ली। लोग गांधी की बात कर रहे हैं, लोग नेहरू की बात कर रहे हैं, लोग इंदिरा की बात कर रहे हैं, पटेल की बात कर रहे हैं, लोग आज़ादी के विरासत की बात कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस वालों ने तो आजादी की विरासत को नकार दिया था, वो तो मानते थे कि 2014 में देश आजाद हुआ, उससे पहले देश बंधक था, गुलाम था। तो तमाम तरीके की जो झूठी बहस थी, नकारात्मक बहस थी, उस पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने एक सकारात्मक मैसेज छोड़ा है, सकारात्मक पहल की है, और उसी पहल से बीजेपी और आरएसएस 2024 में टहलने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन सर, अमित शाह, चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने कह दिया है, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कहा उन्होंने कि बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं है 2024 में, चुनौती ही नहीं दे पाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बीजेपी को कोई हराने वाला नहीं है 2024 में, बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ अगर कोई हराएगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वो नफरत से भरी सोच हराएगी। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और चाणक्य सिर्फ एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा, ये चाणक्य नहीं है,
ये लुटिया डुबाने वाले हैं बीजेपी और आरएसएस की, ये आप लिख के रख लीजिएगा, इतनी क्लिप निकाल के वायरल करिएगा। जब 2024 में प्रधानमंत्री बन जाए राहुल गांधी, इतनी क्लिप वायरल करिएगा कि गोपाल तिवारी ने भविष्यवाणी की थी, नफीसा इंटरव्यू ले रही थी, आप करिएगा। चलो बहुत धन्यवाद हमसे गोपाल जी बातचीत करने के लिए। सवाल वही है कि 2024 में विपक्षी एकता अगर एक साथ नहीं आती, दिखाई नहीं देती, तो बीजेपी का तोड़ कैसे निकल पाएगा? और अगर विपक्ष एक साथ आ जाता है तो क्या बीजेपी हार जाएगी या फिर से एक तरफा जीत हासिल कर लेगी? जैसे कि बार बार लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे, दिग्गज नेता सामने अगर कह रहे हैं कि 2024 तो हम यूं ले जाएंगे, यानी कि कोई राह मुश्किल नहीं है उनकी फिलहाल के लिए।